नॉलेज इज अ पावर, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हर बाय लिसनिंग। पहले उसे समझो, जैसे लड़की एक खेल है तो पहले उस खेल को समझो। सभी लड़के एक जैसे नहीं होते, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बाद में इस्तेमाल करना। पहले उसे समझो, देखो वो कैसी लड़की है, उसके शौक क्या है, उसके पसंद क्या है, नापसंद क्या है, किस चीज़ों में वो दिलचस्पी दिखाती है, किस चीज़ों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाती। जाते ही अपना स्टाइल, अपने जोक छोड़ने की कोशिश मत करो। पहले ध्यान से उसकी बातें सुनो, उससे सवाल पूछो, ध्यान दो क्या वो फिल्मी लड़की है, पारिवारिक लड़की है, इमोशनल है। हो सकता है जितने फैशनेबल और स्टाइलिश वो दिख रही है, हो सकता है वो उसके बिल्कुल उल्टा पारिवारिक या अपने मर्यादों को प्रेम करने वाली लड़की हो। हो सकता है उसे पहले भी किसी पर भरोसा करने का बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो। हो सकता है तुमसे पहले किसी ने उसे परेशान किया हो। हो सकता है कि तुमसे टकराने से पहले तीसरी गली में किसी ने उसे तंग किया हो, जिससे वो जान छुड़ा कर आई हो, और उसे देखते ही तुम चालू हो जाते हो अपना लाइन बोलना। पहले देख लो, हो सकता है वो गुस्से में हो, परेशान हो, फिर भी वो मुस्कुरा कर दिखा रही हो। पहले उसके पास बैठकर पूछो क्या हुआ, उसके बाद अपनी बात करो। देखो मैं कहता हूँ कि लड़की से मिलते ही आई लव यू कहो, लेकिन यहाँ मिलते ही का मतलब मिलते ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि देखते ही, मिलते ही का मतलब होता है पहले दिन में प्रपोज करना। जैसे मान लो तुम कहीं घूमने गए हो, दो तीन दिन साथ रहे, दूसरे दिन आई लव यू बोल सकते हो। वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी, इसे आउटडोर पॉलिसी कहते हैं। जो लड़की तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी उसे प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन जो लड़की तुम्हें रोज मिलती है उसे कभी प्रपोज नहीं करना है, यहाँ इंडोर पॉलिसी चलता है। देखो अगर तुम पूरे एक्सपर्ट हो गए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें कब आई लव यू बोलना है, तुम खुद ही समझ जाओगे। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। ध्यान दो उसकी बातों की तरफ, वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, कैसे कपड़े पहनती है, अपने हाथों को किस तरीके से हिलाती है, आंखों को कैसे मटकाती है, इससे आपको पता चल जाएगा वो कैसा लड़का ढूंढ रही है। अब ध्यान देंगे तो जानेंगे लड़कियां ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा खुले तौर पर बताती है कि उन्हें कैसा लड़का चाहिए, लड़कियाँ छुपाती कम है। हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वहाँ एक लड़की ऑडिशन के लिए आई थी, उसके हाव भाव देखकर ही पता चल रहा था कि उसे ऐसा लड़का चाहिए जो जितना मर्जी इस्तेमाल कर ले बस इसे हीरोइन बना दे। आपने देखा है ना कई लड़कियां टैटू बनाती हैं, उनको देखकर क्या लगता है, क्या वो सीधी साधी लड़की है? नहीं, आप देखकर ही समझ जाते हो वो स्टाइलिश है, उसे फैशन पसंद है, वो जिंदगी को आज़ाद तरीके से जीना चाहती है। कोई अकेली लड़की गुमसुम अकेली बैठी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अकेली रहना चाहती है, इसका मतलब है कि तुम जाकर बात करो, उससे उम्मीद मत करो कि वो बात करेगी। जैसे मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करना एक नॉलेज की बात है, नॉलेज को जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। मेरे लेक्चर अलग अलग लोगों को अलग अलग समझ में आते हैं, बहुत बार बंदा लेक्चर सुनकर नहीं समझ पाता। आप अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोज़ को शेयर करो और डिस्कस करो, हो सकता है ना मैं गलत बात बोल रहा हूँ। डिस्कस करने से आपको सही नॉलेज का पता चलता है कि ऐसा नहीं ऐसा है। गौर करो तो लड़कियाँ खुले तौर पर बताती है कि उन्हें क्या चाहिए।